के एमपी मैं बना। उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गया, मैडम इलेक्शन हार गई, और मुझे कहते हैं तू वोट काटने आ गया। मैं उन्हें कहता हूँ तुम मेरे वोट काट रहे हो, मैं बीजेपी को हरा देता, तुम मेहरबानी करके घर बैठो, तुम्हें लोगों ने भी हराया है, कुछ तो शर्म करो। आई थिंक पूरे देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। और कुछ लोग कहते हैं उनको सिंपैथी फैक्टर के लिए वोट मिला। राहुल सर, मैं आपको ये बता दूं, 2019 में भी मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और मैं सिर्फ 24-25 हज़ार वोट से हारा। आज पूरे देश के लोगों के एक मैसेज आना चाहिए, जो कहते हैं सेंटिमेंट का वोट था, सेपरेटिस्ट का वोट था, ये चीज़ें थी, उड़ी करना गुरेस, उड़ी और करना, मैंने तो मैंने 60% वोट ले लिया, ना कोई शिया रहा ना सुनी। इट वॉज एन इन मास वोट, आई टुक लीड इन 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज। फिर उमर साहब जो कह रहे हैं कि वोट काटा, जो फरीद साहब ने कहा जब हम जीत गए इलेक्शन, तो फिर कहा ये तो इस्लामिक रेडिकल्स और ये इस्लामिस्ट जो रेडिकल्स की जीत है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए इस्लामिस्ट, बट नो इस्लामिस्ट कैन बी ए रेडिकल। चलिए ये भी सही मानते हैं, पूरी कंट्री में नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, इस्लामिस्ट और रेडिकल, ग्रैंडफादर उसका जिसने पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर गिफ्ट में दे दिया, वो अब एक एमएलए बनने के लिए भीख मांग रहे हैं, उसको सबक सीखना चाहिए। और इंजीनियर रशीद का बेटा और मेरे लोग निकलते हैं और जेल से मुझे चुनाव जितवाते हैं, और उससे भी बड़ी बात, ये दो जो आदमी हैं सजाद साहब और उमर साहब जो मेरे खिलाफ लड़े, इससे सर आपको पूरा आज की हवा की अंदाज़ा चलेगी, वोट कटर मैं हूँ कि वो हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। कहना यह है दोनों उमर साहब और सजाद साहब, उनको डिपार्टमेंट की हार की मिर्ची अभी भी फील हो रही है, तो दो दो सीटों से लड़े, लेकिन मैं उनको एश्योर करता हूँ दोनों सीटों से आप हारेंगे। मुझे 5.5 साल से कोई पता नहीं दुनिया का कि पीओके के लोग जो कहते हैं आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? तरीका यह उनसे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं, तो अमित शाह जी ने होमवर्क किया होगा, राजनाथ सिंह जी ने होमवर्क किया होगा, वो तो कहेंगे हम इंडिया में आना चाहते हैं, तो उसके लिए ओबियसली आपको उनकी राय पूछनी पड़ेगी, तो तब वो यहाँ आएंगे। लेकिन जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान की क्लेम भी इस पर है, तो इधर कहते हैं कि ये सारा नया कश्मीर है मोदी जी का, यहाँ कोई सेपरेटिज्म कुछ है ही नहीं, तो ओबियसली फिर यहाँ के लोग भी कहेंगे हम इंडिया के साथ ठीक हैं, फिर तो सारा इंटीग्रेशन, फिर तो आप जो हमारा वो अखंड भारत है वो खा पूरा हो सकता है। हमें शब का इंतजार रहता है, माना कि रात डरावनी होती है बहुत, हमें अपनों का दीदार होता है। मेरा अपना शहर है, उसका मतलब यह है सर राहुल जी कि लोग सुबह की पहली किरण फूटने के लिए बेताब होते हैं, अपने काम पर निकलेंगे।